बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप से इल्तमास है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है और आपके इल्म में कोई कमी नहीं आती। आएँ ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा विंटर 2014 के पेपर 31 और पेपर 32 का है। ये क्वेश्चन कह रहा है, थ्रू आउट दिस क्वेश्चन द यूज़ ऑफ अ कैलकुलेटर इज़ नॉट परमिटेड। पर कैलकुलेटर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके दो पार्ट्स हैं। द कम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू एंड जेड सेट्स फॉर द इक्वेशन डब्ल्यू इज इक्वल जेड प्लस आयोटा अपॉन आयोटा जेड प्लस टू। गिवन दैट जेड इज इक्वल वन प्लस आयोटा एंड डब्ल्यू, फाइंड डब्ल्यू, गिव योर आंसर इन द फॉर्म एक्स प्लस आयोटा बाय एक्स एंड बाय आर रियल। तो हमें जेड की वैल्यू दे रही है, डब्ल्यू वैल्यू करना है। डब्ल्यू हमें ये दे रहा है कि डब्ल्यू बराबर है जेड प्लस आयोटा अपॉन आयोटा जेड प्लस टू के। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड की वैल्यू दे रहा है कि वन प्लस आयोटा है, जेड दे रहा है कि वन प्लस आयोटा प्लस आयोटा अपॉन आयोटा, जेड की जगह वन प्लस आयोटा और प्लस के टू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो डब्ल्यू आ जाएगा वन, ये आ जाएगा वन प्लस आयोटा वन प्लस टू आयोटा अपॉन नीचे ये आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा और प्लस के टू। तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर सारी। अच्छा, आयोटा इसका माइनस वन होगा तो यह आ जाएगा वन प्लस टू आयोटा अपॉन माइनस वन प्लस टू, वन आ जाएगा तो यह आ जाएगा वन प्लस आयोटा। यानी डब्ल्यू इधर तक हमारा आ गया कि वन प्लस आयोटा वन प्लस टू आयोटा वन प्लस टू आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा। इसको फिर रेशनलाइज कर देते हैं, वन माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, वन माइनस आयोटा से डिवाइड करेंगे तो हमारा डब्ल्यू आ जाएगा वन प्लस टू आयोटा, वन इसको मल्टीप्लाई करेगा वन माइनस आयोटा प्लस टू आयोटा माइनस टू आयोटा। इसका ऊपर मल्टीप्लाई किया वन पर एक वन माइनस आयोटा करेगा वन माइनस आयोटा टू आयोटा वन को करेगा प्लस टू आयोटा, टू आयोटा माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करेगा माइनस टू आयोटा स्क्वायर अपन ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो ये आ जाएगा वन माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो ये आ जाएगा माइनस वन माइनस माइनस टू प्लस टू आ जाएगा, वन प्लस टू थ्री आ जाएगा, थ्री प्लस आयोटा अपन ये वन प्लस वन ही हो जाएगा। तो ये डब्ल्यू की वैल्यू जो आ गई ये टू है तो थ्री अपॉन टू और प्लस वन अपॉन टू आयोटा आंसर। ये डब्ल्यू आ गया थ्री अपॉन टू और प्लस वन अपॉन टू आयोटा। अच्छा, डब्ल्यू ये आ गया। उसके बाद आप देखें कि सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट इसका ये कह रहा है कि गिवन इन स्टेट दैट डब्ल्यू इज इक्वल जेड, डब्ल्यू जेड इक्वल है एंड द रियल पार्ट ऑफ जेड इज नेगेटिव, रियल पार्ट जेड का नेगेटिव है, फाइंड जेड गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म दिस वन। जेड मैल्यू करें कहते हैं डब्ल्यू जेड इक्वल है तो आप पहले तो डब्ल्यू हमें ये दे रहा है और फिर जेड को बिल्कुल आप देखिए सेकेंड पार्ट ये डब्ल्यू बराबर है जेड प्लस आयोटा अपॉन आयोटा जेड और प्लस टू के, ठीक है आयोटा जेड प्लस टू। तो ये हमारा आ रहा है आप समझें कि यानी डब्ल्यू जेड इक्वल है तो हमें जेड चाहिए तो डब्ल्यू को निकाल देंगे कि जेड इज इक्वल रहेगा जेड प्लस आयोटा अपॉन आयोटा जेड प्लस टू के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जेड और ये आयोटा जेड प्लस टू बराबर जेड प्लस आयोटा के। इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम तो ये आ जाएगा टू आयोटा जेड और प्लस फोर बराबर जेड प्लस आयोटा के। ये इधर लिखा जाए ये टू आयोटा जेड और माइनस का जेड प्लस का फोर माइनस आयोटा इज इक्वल टू जीरो के। तो आप इसमें देखें कि सर ये फोर जेड कैसे आ गया, ये जेड और ये टू है, ये टू जेड आएगा। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा इधर से मैं दोबारा करता हूँ। टू देखें कि इसमें थोड़ा सा दो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ये आ जाएगा आयोटा जेड स्क्वायर और प्लस टू जेड आ जाएगा। लेकिन ये टू है टू जेड और ये इधर जेड आ जाएगा माइनस जेड माइनस आयोटा इज इक्वल जीरो के। तो यह आ जाएगा आयोटा जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस आयोटा इज इक्वल जीरो। अच्छा, अब आप देखिए इसमें से ए की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए की वैल्यू आयोटा है, बी वन है और सी माइनस आयोटा है। तो जेड बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। तो आप इसमें पुट कर दें वैल्यूज, जेड इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस वन
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन माइनस फोर एक एस सी, आयोटा माइनस आयोटा ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन टू ए, टू ए बेसिकली हो जाएगा टू आयोटा के। तो जेड इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस आयोटा इसका माइनस वन होता है तो ये आ जाएगा प्लस वन, तो वन माइनस फोर आप ये देखें यह आ जाएगा वन माइनस फोर वन, आयोटा इसका माइनस वन होता है तो ये प्लस वन हो जाएगा, तो वन माइनस फोर हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू आयोटा की। अब माइनस में अंडर रूट आयोटा बाहर आ जाएगा, जेड आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू आयोटा की। क्योंकि इसने कहा है कि दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू आयोटा और दूसरी आ रही है जेड इज इक्वल टू माइनस वन और माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू आयोटा। दो वैल्यूज आ गई इसे। अच्छा, अब दो वैल्यूज आ गई, दोनों को हमने लेके चलना है और जिसमें रियल पार्ट आ जाए वो, या मैं दोनों को अगर साथ साथ लेके नहीं चल रहा सेपरेट लेके चलें तो इसको करें जेड इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू आयोटा, अकेला टू आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा से डिवाइड करें, इसमें भी ऐसे करें जेड इक्वल माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा से डिवाइड भी करें। दोनों को इकट्ठे लेके चल रहा हूँ मैं, तो ये जेड आ जाएगा आयोटा इसको मल्टीप्लाई करेगा ये आ जाएगा माइनस आयोटा और प्लस ये आ जाएगा अंडर रूट थ्री आयोटा स्क्वायर अपॉन टू आयोटा स्क्वायर। और ये जेड कितना आ जाएगा माइनस आयोटा माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा स्क्वायर अपॉन टू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, ये पुट करें जाएगा माइनस आयोटा और माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन ये आ जाएगा माइनस के टू। और इसमें जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा इसका माइनस वन होता है तो यह आ जाएगा प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन माइनस टू। माइनस से ऊपर डिवाइड कर लेंगे तो जेड और रियल पहले लिख देंगे, यह आएगा अंडर रूट थ्री और प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन टू और प्लस आयोटा अपॉन टू। एक तो वैल्यू ये आ गई अंडर रूट थ्री अपॉन टू और प्लस आयोटा अपॉन टू, और दूसरी वैल्यू इससे ये देखें ये करेंगे माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू और प्लस वन अपॉन टू आयोटा। तो इसने क्योंकि कहा है कि जेड रियल पार्ट नेगेटिव है तो ये आंसर हम नहीं देंगे, तो हेंस आंसर देखिए इसने कहा है कि जेड का रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव है, ये कहते हैं द रियल पार्ट ऑफ जेड इज नेगेटिव, रियल पार्ट जेड का नेगेटिव, तो एक ही आंसर हमारा आया। ये देखें ये रियल पार्ट इसका पॉजिटिव है तो जेड हमारा जो आ रहा है हमारा माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू आयोटा के। तो ये आंसर, थैंक यू वेरी मच।